बरेली एसडीएम सदर को लिखित प्रार्थना पत्र देकर एक रिटायर्ड फौजी ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर उसकी पुत्री की जमीन पर क्षेत्रीय लेखपाल से सांठगांठ कर जमीन हड़प लेने का आरोप लगाया है। वहीं लेखपाल का कहना है कि एसडीएम सदर के आदेश पर जगह की पैमाइश कर कुरेबंदी की जा रही है। उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के ग्राम भोलापुर पोस्ट मिर्जापुर निवासी रिटायर्ड फौजी हरपाल पुत्र प्यारे लाल ने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और अपने फौजी साथियों के साथ पहुंचकर उपजिलाधिकारी सदर को प्रार्थना पत्र दिया है और इसकी शिकायत की है कि उनकी पुत्री लक्ष्मी कुमारी ट्यूलिया गाँव में 1 बीघा 9 बिस्वा जमीन है। रिटायर्ड फौजी हरपाल ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री के खेत में खड़ी उड़द की फसल को विपक्षियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। इसकी शिकायत उन्होंने पहले भी की थी। हरपाल फौजी का आरोप है कि बाबूराम पुत्र मोतीराम, संजीव पुत्र बाबूराम, रविंद्रा जो ट्यूलिया गांव के रहने वाले वो व 5 से 6 अज्ञात लोग उसकी बेटी की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और इस वक्त वो खेत में बाउंड्री बाल बनाना चाह रहे हैं। हरपाल का कहना है कि इन सभी में लेखपाल हरद्वारी लाल विपक्षियों का साथ दे रहे हैं और उनकी जमीन पर कब्जा कराने में उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं लेखपाल का कहना है कि एसडीएम सदर के आदेश पर जमीन की पैमाइश कर कुरेबंदी की जा रही है, किसी भी हालत में कोई बीमारी नहीं की जाएगी। शिकायतकर्ता की बेटी की जमीन की पैमाइश करने को कहा गया है मगर शिकायतकर्ता मौके पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जी मैं भारतीय किसान भानु वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शाहजहानपुर सूबेदार सूबेदार मेजर श्याम किशोर अग्निहोत्री। हाँ, क्यूलिया गांव है यहाँ पर हमारे जो सूबेदार हरपाल साहब हैं इनकी जमीन दबंग लोग कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने कई बार एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई और वहाँ पे जाकर के लेखपाल ने माफियाओं से मिलके उसी जमीन में नींव भराना शुरू कर दिया, निर्माण शुरू करा दिया। उसके बाद जब हमें पता लगा तो हमारे ये फौजी भाई, चूँकि मैं भी रिटायरमेंट हूँ तो मैंने मुझे मेरे संज्ञान में आया तो मैंने आकर के इनके एडीएम साहब से भी मिले तो एडीएम साहब मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा साहब ये फौजी आदमी इनका थोड़ा विशेष ध्यान दो, जिंदगी भर रह के आए फौज में अपनी जिंदगी बिता करके पूरी जवानी ख़त्म करके। तो बोला मैं तो सबका ध्यान देता हूँ। मैंने कहा सबका नहीं साहब, फौजियों का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बोला आप मुझे नेता नगरी मत दिखाओ। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है इनकी इस तरीके की भाषा है एडीएम साहब की, ये क्या न्याय करेंगे? अगर न्याय नहीं करते हैं तो भारतीय किसान भानु इनको नोटिस देके इनके खिलाफ आंदोलन करेगी और जो सच्चाई होगी उसको निकाल के सामने प्रशासन के सामने लाएंगे। मेरा नाम ब्रजेश चंद शर्मा है, मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी मिसिस के नाम 1-1 बीघा जमीन है, 2 बीघा इनमें खसरा नंबर 255 में है और ये सब लोग जो है उस पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने मेरी ज़मीन 1990 में खरीदी गई है और मेरा दाखिल खारिज है, सब कुछ है और उसके बावजूद जो है जब भी जाते हैं एसडीएम साहब से मिलने तारीख ही पड़ जाती है, ना तो कोई उस पर एक्शन ले रहे हैं ना कोई स्टे आर्डर, वहाँ जो है ना सीट पर बैठते हैं और जो है बल्कि इन्होंने जो है लोगों ने वहाँ मिलके जो है रोडें डाल ली हैं, खंबे लगा लिए हैं और जो है प्लाटिंग कर रहे हैं और प्लाटिंग करके बाकायदा ज़मीन बेची, कम से कम इसी 1-2-3 महीने के अंदर कम से कम जो है 8-10 दाखिल खारिज हुए हैं और वो और जबकि वो खेती की ज़मीन है, ना उसके लिए कोई उसका बदलाव किया गया है ना कुछ किया गया है। एसडीए साहब ने कहे तारीख पड़ेगी बस, और क्या है इसके अलावा क्या मिलना है। और मतलब सीएम पोर्टल पर भी डाली है तो अपने ये जो चाहे लिख के भेज देते हैं, अब हमको क्या पता है कि ना उसमें डिटेल तो आती नहीं कि इन्होंने क्या लिखा है। तो बस अब वही थाने में दिया और वही दिया तो थाने वाले कहते कोई कोई आपका स्टे नहीं है कुछ नहीं, हम क्या करें। उनके नाम जो हैं भारतेंदु सिंह और अवनींद कुमार सिंह और प्रेम शंकर और बाबू राम भी हैं उसमें, ये सब हैं लोग, मतलब रविंदर वगैरह जी यही सब लोग, पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप है। मेरा 2020 में मैंने कोड़ाबंदी हो चुकी थी, उसके बाद मैंने 1 बीघा 9 बिस्वे ज़मीन खरीदा था और उस पर मैं काबिज था। अभी लेखपाल को ले पिछले महीने 28-7 तारीख रात में दमंगों ने जो भूमा किया है उन्होंने मेरे खेत में बुनियाद खोदी और जबरन कब्जा करने की कोशिश की। मैं पुलिस को एसडीएम डीएम भलिस पुलिस अधिकारी सबको एप्लीकेशन दिया, किसी ने मेरी नहीं सुनी। वो है बाबूराम, रविंदर और क्या नाम इसका संजीव, ये टिलिया के रहने वाले, एक बरेली के रहने वाले और 5-6 साथी इनके और हैं।
जो लगातार मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं, बोला खेत पे आ गए आपको जान से मार दिया जाएगा। पुलिस भी नहीं कोई सुन रही है। SDM के पास मैं 2-3 बार गया, मेरे बच्चे आए, मैं 1.5 महीने से परेशान हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।